हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम में। आज हम लोग खेलने वाले हैं सिटीज स्काईलाइंस। काफी टाइम से इसके कमेंट्स आ रहे थे कि आप खेलो इसको, और मैं इग्नोर करता जा रहा था, लेकिन फाइनली आज हम लोग इसको खेलने वाले हैं। और जैसे ही मैंने इस गेम को देखा था ना थोड़ा सा, तो अब जाके मुझे पता चला कि यार ये कितनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे ही मैंने गेम खेली हुई है पहले, बहुत पहले मोबाइल में, जहां पे ऐसा तो नहीं था कुछ बिल्ड करना था, लेकिन हमको अटैक वटैक अभी भी वो गेम्स शायद आते, मेरे को नाम याद नहीं है, बट हाँ वैसा कुछ था। और अब अगर हम लोग इसके अंदर जाए तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मैप्स हैं, बहुत सारे हम लोग बाय कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा चीजें हैं इसमें यार। अभी फिलहाल हम लोग जो डिफॉल्ट इसमें सेलेक्टेड था ब्लैक वुड्स, हम लोग वही करने वाले। इसमें दिखा रहा है कि कितना परसेंट बिल्ड, ओ ये उतना ज्यादा है नहीं, बिल्डिंग के लिए एरिया बेटर है या नहीं है वो सब दिखा रहा है। ये 74% है यार फॉगी हिल्स। ओके और भी देखते हैं, 84% है। अरे बाप रे 84% है, तो मतलब हम लोग इसमें इससे कुछ फर्क पड़ता होगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मुझे सब पता है, बट मुझे सही में अभी कुछ पता नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। मैं सोच रहा हूँ कि एकदम जो बेसिक वाला है ना ये करा है, या फिर हम लोग फॉगी हिल्स था ना जो 84 था, एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि मैप कैसा है, आसपास का एरिया थोड़ा सा बेटर हो ना, मतलब ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज्यादा हो या फिर पानी बहुत कम हो, क्योंकि दोनों चीजें हमको चाहिए बैलेंस तरीके से। तो देख लेते हैं कि हमारा कैसा है। ओ यार ये नहीं, मैं पहली बार सिटी बिल्ड कर रहा हूँ और उसमें से भी बीच में रिवर आ रहा, पूरे एरिया तो रिवर ने खींच खराब कर लिया, तो ये नहीं बनेगा। मुझे ऐसा लगता ना हमको वही जो नॉर्मल वाला इसका मैप है ब्लैक वुड आई थिंक उसका नाम था, तो वही हम लोग करने वाले हैं, शायद वो बेटर होगा, क्योंकि बाकी सब ना थोड़ा सा मतलब ये रिवर आ जाएगी ना वैसे अच्छा लगता है, बट सिटी के बीच में रिवर आएगी तो हमारे लिए बिल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। अभी उतना हमको आइडिया है नहीं, क्योंकि हम लोग हैं दुकान चलाने वाले, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक गैस स्टेशन चलाया हुआ है, और हम लोगों ने अपना जो रेंच भी वैसे बिल्ड करा है यार, ऐसी बात नहीं है, हाँ, बट वहाँ पर और ये थोड़ा अलग, ये पूरी सिटी है, वहाँ पर खुद रह रहा तो मेरा रेंच था, और गैस स्टेशन का भी ऐसी कुछ था। तो फिलहाल हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक एरिया है जिसमें हमको पूरा, ये मैप है हमारे पास, इसमें हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ के आसपास की लैंड भी बाय कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे इन्फो वगैरह जो धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगी, भी सारी ग्रेड आउट हो रखी है, और यहाँ पर हमको ये हाईलाइट करके दिखा रहा है इसको। यहाँ पर हमारी अचीवमेंट्स हैं जो अनलॉक होंगी, उसके बाद यहाँ पर सारी रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह और सारी कुछ है, लैंडस्केपिंग वगैरह भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और हमारे पास 70,000 यूरोज हैं, बचा के हमको ज़्यादा खर्च नहीं करने, बचाते हुए हमको बिल्ड करना है यहाँ पे। तो ये एरिया मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है, और काफ़ी कुछ है इसमें, पानी भी है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, बट हाँ इस साइड को छोड़ के हर जगह पानी से घिरा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से ना रोड को लेके जाना स्टार्ट करते हैं, और मेरे को ये भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ से ना गाड़ियाँ आएंगी और यहाँ से जाएंगी। ओके ये सब चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी होंगी यार, ठीक है। तो हमारे पास अभी सिर्फ एक रोड है आई थिंक, हाँ एक रोड है, बट ये रोड अनलॉक हो जाएंगे हमारे लिए जैसे हम लोग यहाँ कुछ बिल्ड करेंगे। तो अभी हमारी रोड्स अनलॉक हो चुके हैं, अभी इसको बुलडोजर से तोड़ देते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो अभी वापस हमारे पास कुछ रोड अनलॉक हो चुकी हैं, और अब जाके ये मैं सेम, ये कौन सी वाली रोड होगी यार, कैसे पता चलेगा, इसमें बहुत सारी रोड है। ये भी हमारे पास एक आई थिंक ये 6 लेन वाली है, सिक्स लेन है, तो हाईवेज है हमारे पास, हाईवे तो नहीं बनाना मुझे, सिटी के अंदर बनाना है, ऐसा कुछ बना के सही लगेगा क्या, एक सेकंड ट्राई करके देखते हैं। यार नहीं, ये कुछ सही नहीं लगेगा, अभी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते हम लोग, सिंपल बेसिक में जाते हैं। ये वाला तो बहुत सिंपल रोड है, ओके इसके साइड में चलने के लिए भी है रास्ता। अगर हम लोग ये वाली रोड लेके जाएँ तो ये कैसी है, मतलब एक बार इसको थोड़ा सा बिल्ड करके देख लेते हैं कि क्या है रोड में। ओके ये सही है, हमको ऐसे करके बिल्ड करना है, और अगर हमको यहाँ से इधर को लेके जाना तो हमको ऐसे करके बिल्ड करना है। ओके ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं कुछ भी, अब जाके हमको देखना है थोड़ा सा कि कैसे करना है। तो रिकमेंड ये कर रहते हैं लोग कि यार अगर आपको बिल्ड करना है तो ये हाईवे से ना जितना क्लोज हो सके हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया हो, ताकि जो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारा जो रेसिडेंट एरिया होगा वो इधर की साइड का ही हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग रोड यहाँ से थोड़ा डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ये वाली रोड में लेके जा रहा हूँ यहाँ से वापस। हम लोग कर भी बना सकते हैं ना, कर वाली रोड बना सकते हैं, तो हम लोग कर वाली बनाते हैं, सिंपल क्यों बनानी है, यहाँ से बनेगा आई थिंक कर, एक सेकंड, कर बनेगा यहाँ से 90 पे, हाँ ये बनेगा ना कर। ओके तो यहाँ से हम लोग इतना लेके जा रहे हैं इसको, ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है ना, और इसको ऐसे हम लोग कर लेंगे, तो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया इस साइड को बन जाएगा, जो कि बहुत पास रहेगा, यहाँ से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत इजी रहेगा। ट्वीट वगैरह भी आ रहे हैं हमको, ओके ठीक है यार इसको छोड़ दो काम की चीज़ें नहीं है, फालतू है। अब जाके हम लोग ये वाला तो मेन हाईवे वहाँ के लिए हो गया, हाईवे नहीं है वैसे, ये हाईवे है क्या, एक सेकेंड कौन सी रोड है, 2 लेन 1 वे रोड, ओके 1 वे रोड है ना, तो ठीक है हम लोग अब इस वाली को बनाते हैं, लेकिन इस वाली को हमको पहले तो यहीं से बनाना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आएगा कैसे बनानी है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, अब ये मैं सोच रहा हूँ कि एक सेकंड लैंड कितना है हमारे पास,
ओके, ये मैं सोच रहा हूँ कि एकदम इसको हम लोग ऐसे सीधा लेके जाएं, बहुत ज़्यादा कर्व ना करें। नहीं 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 नहीं, हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं, फ्री फ्री फॉर्म वाली रोड है, तो हम लोग यहाँ से इसको पहले तो सीधा लेके चलते हैं थोड़ा सा। नहीं, यहीं से मोड़ लेते हैं हम लोग इसको, कनेक्ट भी करना होगा ना मेरे को इनको। हाँ यार, कनेक्ट भी तो करना होगा, इतनी रोड बना ली मैंने, ध्यान रखना मेरे पैसे खर्चा, $58,000 बच गए हमारे पास। नहीं 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 नहीं, हमको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, कहाँ पानी में रोड लेके जा रहा हूँ यार, इतना नहीं बनाना हमको। चले ठीक है, ये वाला हमारा एरिया बन चुका है, अब जाके मेरे को इसमें बनाने हैं अंदर की जो कॉलोनीज बनेंगी हमारी, और उसको हम लोग बनाने वाले हैं डर्ट रोड से, क्योंकि इसको हमको ये थोड़ी सस्ती बन जाएगी ना, बाद में अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब बस एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा दूर हो हमारा, ताकि नॉइस पोल्यूशन वगैरह ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दूर तो मतलब इतना सही रहेगा ना, यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पर कुछ और हम लोग कर लेंगे, मार्केट वगैरह बना लेंगे यहाँ पे। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, तो चूज़ करना पड़ेगा यहाँ से स्ट्रेट रोड, और अब हम यहाँ से अगर बिल्ड करना स्टार्ट करें, 300 का एरिया बन रहा है, 240 का एरिया बन रहा है, 220 का बन रहा है। अब ये चीज़ क्या मतलब क्या, किस तरीके से, मेरे को घर वर का तो कुछ पता है नहीं कि घर का साइज़ क्या होने वाला है, उस हिसाब से हम लोग बनाएं क्या इसको, कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। एक बार मेरे को देखना है कि क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन रहे, तो मुझे लगता है कि एक और करता तो 10 बन जाते ना, अगर इवन वगैरह में कुछ करता शायद बेटर रहता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तोड़ते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा और बना लेते हैं आगे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूं यहाँ से, तो पूरा टूट रहा है यार, ये क्या चक्कर है, बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं यार। ओके, तो 4 बन रहे हैं हमारे 100 में, तो 200 वहाँ बनेंगे हमारे 8। ओके गाइस, तो हम लोग इतना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट रहेगा। एक बार देख लेते हैं कि कितने ग्रिड्स हैं इसमें, कहाँ है रोड सेलेक्टर, ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है बराबर। अगर हम लोग को कुछ डिवाइड वगैरह करना होगा तो ईजी रहेगा। ठीक है, मैं पहले ना एक जगह का थोड़ा सा बिल्ड करके देख रहा हूँ कि क्या 220 क्या था, 200 क्या था, 200 किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये अंदर की रोड है, और उसके बाद अब हम इसको अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, अगर मैं ये 4 को बना दूँ रेसिडेंशियल एरिया यहाँ पे, और इस 4 को यहाँ पे बना दूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई है, तो ये तो गड़बड़ी कर दी मैंने, मेरे को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। इसको इरेज करते हैं एक बार, 6 अगर हम लोग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतना अगर मैं करूँ इसको। ये बिल्डिंग्स भी इसमें अलग अलग तरीके से बनेंगी, ओके ओके, तो ये चीज़ का भी तो ध्यान रखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब करूँ, और बीच से इसमें एक रास्ता वगैरह बना दूँ कुछ ऐसा, तो बेटर रहेगा शायद। चलो अभी फ़िलहाल ऐसा ही करते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब बाद में देख लेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपना जो सिटी है उसको रन करना स्टार्ट कर दूँ क्या? नहीं नहीं, मेरे को पानी वानी का भी तो देखना पड़ेगा। ओह, पानी तो इस साइड है यार। ओके, एक बार एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे एक सेकंड ट्री हटा सकता हूँ क्या मैं बीच से? ओके, हट रही है, काफ़ी ट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत सारी हैं। ओके, और यहाँ पे भी ट्रीज हैं बहुत सारे, पैसे तो नहीं कट रहे ना, बस मेरे को ये चीज़ का ध्यान रखना है पक्का। ठीक है, पैसे नहीं कट रहे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो चुका है, अब जाके मैं ये वाले एरिया में, ये हमारी मेन सिटी मेन रोड होगी, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम, मैं एक बार ना पहले रोड वाला थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे यार ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसी में करना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, मुझे लगता है ऐसे अगर हम लोग करें इसको तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। चलो हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रखा था ना वहीं से करते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी रोड बना दी है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे पहले थोड़ा सा ही बनाते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्ड नहीं करने वाला, मैं पहले थोड़ा सा करूँगा ताकि हम लोग अपना सिटी को एटलीस्ट रन करना स्टार्ट कर दें। 260 आ रहा है, मतलब ये बराबर नहीं हो रहा, बट ठीक है ना, कौन सा बराबर होती है सिटी, लेकिन ये मैंने कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा कर दिया, इतना भी नहीं चलेगा यार, ये तो हद ही कर दी मैंने, इतना भी नहीं चलने वाला, थोड़ा सा सीधा तो होना चाहिए दिखने का, थोड़ा अच्छा लगे। अभी ऐसा हम लोग एकदम सिंपल वाला बना रहे हैं, बाद में बनाएंगे एकदम तगड़ा वाला, जो दिखने में एकदम मस्त लगे, मज़ा आएगा मतलब देख के उसको। ठीक है, तो हमारा लेआउट बन रहा है सिटी का, अगर मैं आपको दिखाऊं दूर से तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है यार मुझे। अब इसको भी लेके चलते हैं, 300 और 220, ये यहाँ पर ना कनेक्ट अलग अलग तरीके से हो रहा है। मेरे को एक और चीज़ करना चाहिए गाइस, मेरे को ना थोड़ा सा नीचे जाके इसको तोड़ना चाहिए, और मेरे को डिस्टेंस पहले चेक करनी चाहिए। 220 में करने वाला था ना, ये 300 करने वाला था मैं, 220 ये था, तो मेरे को ना इसको यहाँ से कनेक्ट करना चाहिए, तो ये तब जाके सही लगेगा यार, उससे रोड से मैच होता हुआ आएगा ना। हाँ, ये मुझे करना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ रहा, तो अभी हम लोग कर लेते हैं, और ये वही हमको 300 लेके चलना है, यहाँ पर आ रहा है,
और इसके बाद ये 200 से कनेक्ट हो रहा है, 240 हो रहा है, इसका मतलब इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ से ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट यार सही है, एकदम सीधा नहीं बनाना। ओके अभी फिलहाल मुझे लगता है कि हमको इतनी सिटी बनानी चाहिए क्योंकि इसके अलावा हम चलो एक बार एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा एक सिटी का बेसिक सा लेआउट बनके तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब जाके मेरे को बाकी सारी चीज़ें करनी, तो देखने में ठीक लग रहा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें कहीं पर बड़ी रख रखी है, कभी कहीं पर छोटी हैं, तो इसको छोड़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। और अब हमको बनाना है यहाँ पर पानी का, देखना है तो पानी मैं सोच रहा हूँ कि अगर रोड यहाँ तक जा रही तो हम लोग पानी का ना यहाँ पर कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो हमारे पास ड्रेनेज है, पानी का फ्लो किस साइड को है यार? अबे ये तो कन्फ्यूजिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, इधर की साइड को फ्लो। ओके 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 ठीक है ठीक है, तो हम लोग इधर कहीं पे इसको बिल्ड कर लेते हैं। ये ड्रेनेज वाला था ना? हाँ ड्रेनेज था, अब जाके हमको पानी का करना है, पीने वाला है, इधर पर कर लेते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होने वाला है कि इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा गैप रहेगा, तो गंदा पानी और साफ पानी मिक्स नहीं होगा। हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो यहाँ पर लोग रहने आएंगे, वरना गाली देंगे यार कि क्या कर दिया बंदे ने। ठीक है तो इधर इसको लेके आते हैं, हाँ इधर इसको लेके आ जाते हैं पानी का पाइप। और अब जाके हम लोग रोड में पूरा पानी की पाइपलाइन बिछा देते हैं। ठीक है पहले इसको थोड़ा सा अंदर में को लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग इसको लेके चलते हैं। रोड में इसलिए लगा रहे हैं ताकि इनकेस कभी अगर, वैसे इसमें मुझे नहीं लगता बट रियल लाइफ में भी रोड के नीचे होती है कि इनकेस अगर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ गड़बड़ होगी तो घर किसी का घर थोड़ा ना तोड़ेंगे यार, रोड तोड़ेंगे ना, तो इसलिए। इसमें भी कुछ ऑप्शन है क्या टेढ़ा मेढ़ा करने का? ये तो बिल्कुल सीधा लग रहा है। ओके तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और एक कमाल की बात यह है कि इन दोनों का पाइप ना अगर हम लोग सेम करें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो हमारा पैसा बच जाएगा। हमारे पास अभी 38,000 यूरोज हैं यार, मतलब बहुत कम बचे हैं। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास टर्बाइन है, विंड टर्बाइन ऑप्शन है हमारे पास, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा 75 और 6,000 यूरोज का आएगा, $80 पर वीक की इसकी मेंटेनेंस जो भी है इसको रखने के लिए हो जाएगी। और ये है 19,000 यूरोज का है, इसका नॉइज़ पोल्यूशन कम है, लेकिन 19,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता यार, क्या करा जाए समझ नहीं आ रहा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि विंड टर्बाइन लगाते हैं, तो विंड टर्बाइन एक सेकंड देखो इसको क्या है विंड टर्बाइन का। ओके पावर आउटपुट का भी हमको ध्यान देना होगा, तो ये देगा हमको 0 से लेके 8 मेगावाट का, मेगावाट का, और ये देगा हमको 40 मेगावाट का एग्जैक्ट देगा वो। तो 0 से 8 ये डिपेंड करेगा कि जगह कैसी है, वहाँ पर हवा कैसी है, क्या चीज़ है। और यहाँ पर तो दे रहा 8 का, ये देखो यहाँ पर कम दे रहा ना, तो मेरे को ना इसको यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 है। ओके तो थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। ओके अभी फिलहाल हम लोग इसी से काम चलाएंगे यार, अब जाके हमको इनको कनेक्ट करना है। तो एक बिजली का खंभा इधर लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं, और एक बिजली का खंभा लगा देते हैं इसमें, तो इन दोनों में आई थिंक बिजली चली गई होगी और ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जाके मेरे को यहाँ से शहर में लाइट लेके जानी है, तो हम लोग इधर से चलते हैं, यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि सब कुछ शायद सही हो गया होगा। अब जाके हम लोग थोड़ा सा ना जोनिंग डिवाइड कर लेते हैं ताकि यहाँ पर लोग रहने स्टार्ट कर लें, अपना घर वर बना लें, जो भी जिसको भी जो कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही कर दूं यार हम लोग इसको ना, पूरा कर लेते हैं। रास्ता वगैरह मैंने कुछ तो सोचा था ना, अभी इसको पूरा करते हैं हम लोग। ठीक है अभी पूरा कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या कुछ और मुझे करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर लोग रहेंगे, लेकिन मेरे को एक चीज़ और भी तो सोचनी है, दुकानें कहाँ पर बनेंगी हमारी? दुकानें इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं, जो ये वाला है कमर्शियल वाला, क्योंकि वो भी तो चाहिए। और वो मेरे को लगता है कि उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ये रोड साइड वाला, तो उसके लिए पहले मैं वो कर लेता हूँ यार। मुझे लगता है कि ना ये ऐसा कुछ करना चाहिए हमको। एक सेकेंड, ब्रश है हमारे पास, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, और अब जाके हम लोग इसको कमर्शियल में कर लेते हैं। ठीक है और उसके बाद बीच वाला पार्ट मैं और रिमूव कर रहा हूँ। हमको इस साइड इस तरीके से ही करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे क्या होगा कि दुकानें मेन रोड पर रहेंगी तो नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। ठीक है और एकदम हाईवे पर लोगों के, मतलब हाईवे नहीं है बट फिर भी यार मेन रोड ही है, यहाँ पर लोगों के घर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। कुछ लैंड का भी तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है कुछ, तो ये सब चीज़ें भी है यार, वो मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए थी। अब क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये ऊंचा नीचे है होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ध्यान रखना होगा हमको इस चीज़ का भी। ओके तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग दुकानें लगाएंगे, और वापस मैं यही कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा और। ओके गाइस तो अभी वापस से हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं एरिया। ठीक है मैं इतना इतना कर रहा हूँ, ये एरिया का थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम चल रहा है, या तो मेरे को लग रहा है कि मैंने रोड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना दी, उसकी वजह से शायद दिक्कत हो रही है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए था। ओके यहाँ पे मेरे को ये वाला, बट ठीक है ना, हमारा पहला एपिसोड है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत सारा अभी काम करना भी है बाकी। तो अब वापस से इसको हम लोग वही वाला डिक्लेयर कर देते हैं रेसिडेंशियल एरिया। बाकी ये तो मेरे को लग रहा है कि पूरा रेसिडेंशियल होगा ये वाला। ओके और इसके जो बाहर वाला है वो तो पूरा का पूरा रेसिडेंशियल होने वाला है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बनने वाला है, तो घरों की कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, जितने घर चाहें आराम से बन सकता है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बनाना नहीं चाहिए था मुझे, बट ठीक है। अभी हम लोग इसको भी लेके चलते हैं और वापस इसको और इधर पर लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी कुछ सही लग रहा है मेरे को देखने में। अब जाके हम लोग इसको पहले तो रन करते हैं, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सॉल्व हो चुका है, तो यानी कि अब जो हमारे लोग हैं कोई आ रहा है मेरी सिटी में रहने को, क्योंकि अभी किसी को ना पता नहीं होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अ लोकल पावर प्लांट इज़ ऑनलाइन, ओके ठीक है, वो मेरे को पता है यार, वो मेरे को मत समझाओ। यहाँ पर ना अभी कोई आया नहीं, घर बनने स्टार्ट हुए क्या अभी? तो घर बनेंगे, ओह हो चुके। एक सेकेंड, इसको पास से देखे क्या? अरे वाह यार, कितना सही लग रहा है एनिमेशन। हो देखो ये, नहीं ये तो बिजली का खंबा है, ये तो मैंने ही लगाया हुआ है। ये घर बन रहा है, बहुत सही लग रहा है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। रोड थोड़ी सी खराब लग रही है क्योंकि मिट्टी वाली रोड है ना, लेकिन हम उसको अपग्रेड कर लेंगे बाद में। हाँ, मेरे को एक और चीज़ का ध्यान आया, मैंने कुछ तो करा था ना यहाँ पर रोड, एक सेकंड, मैंने रोड बनाई थी। ओके, ये वाली रोड मेरे को अपग्रेड करनी है, तो मेरे को ये यहाँ से पूरा लेके जाके, पहले तो मैं सोच रहा हूँ यार इसको ना मैंने इतना गलत कर दिया, मैं इसको तोड़ देता हूँ यार। और जो पेड़ वापस आ रहे हैं, ओके, इतना मैंने इसको तोड़ दिया था, ये थे ना चाहे टू वे लेन। ओके, अब हम इसको ना इधर से हमको बनाना पड़ेगा इसको, अबे नहीं ऐसे सीधा बना, एक सेकंड, सीधा मेरे को बनाना यार, अपग्रेड में जाना पड़ेगा ना हमको। एक सेकंड, अपग्रेड कैसा होगा? मैं अपग्रेड कर तो रहा हूँ, सेम ही रोड है बट अपग्रेड नहीं कर सकते इसको। ओके, हो रही, ओके समझ में आ चुका यार, ये करना जरूरी है वरना दोनों जगह से गाड़ियाँ एक ही साइड पर जाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। एक सेकंड, ये तो मैं एक बार में सेलेक्ट कर सकता हूँ ना इसको। ओके गाइज, अभी ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और करना है। ओके, अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है और यहाँ पर घर बनने स्टार्ट हो चुके हैं। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ तो टूटा, किसी ने घर बना के तोड़ दिया क्या यार? कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, पता नहीं शायद पॉज कैसे हो गया ये, वही सोचो कि गड़बड़ हो गया कुछ तो। ओके, तो पानी वानी का प्रॉब्लम है इनका, इसमें लोग रहना भी स्टार्ट कर चुके हैं। अरे वाह, ये सबसे पहले स्पीड रन टाइप का कर लिया इन लोगों ने यार, सबसे इनका भी घर बन चुका है। अभी इसमें लोग रहने के लिए आए नहीं शायद, ये देखो इसमें भी लोग रहने लग गए, तो हमको इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिल सकती है कि अभी इसमें कोई नहीं रह रहा, घर बनकर तैयार हो चुका है बट इसमें कोई रह नहीं रहा अभी। ओके, किसी में कोई नहीं रह, लोगों की आवाज़ तो आ रही है लेकिन कहाँ से आ रही है, कुत्ता भी भौंक रहा है। ओके, तो अब बारी आती है हमारी ना रेसिडेंशियल, ये वाली जो इंडस्ट्रियल जोन है, तो वहाँ पर बनाने के लिए मैं वही रोड लेके जा रहा हूँ, यही वाली हम लोग रोड लेके चल रहे हैं यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। नहीं, गलत कर दिया मैंने यार, मेरे को ये यहाँ से लेके जाना था, ये क्या कर दिया मैंने, ओ अपग्रेड में है ना सेलेक्टेड, वही तो, वही इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको लेके चलते हैं एक रोड जो इधर तक आएगी और शायद थोड़ा सा और आगे आ जाए। ओके, और अब जाके हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ना, नहीं ये कुछ तो गड़बड़, नहीं सही है, हम लोग इसको और आगे लेके जा सकते हैं। ओके, यहाँ से ये लेके जा रहा हूँ मैं, इसके बीच में ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमारी आ जाएंगी तो सही रहेगा, मतलब पूरा एरिया हमारा कवर हो जाएगा। इसको छोड़ दो अभी, और इसको भी लेके जाते हैं यहाँ पे, सेम मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। कॉस्ट के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ, 240 कॉस्ट आई थी ना सब में, 240 आनी चाहिए, सही रहेगा। ओके गाइस, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है, अब फटाफट से इसको जोन कर देता हूँ मैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ से कोई रोड अगर मैं इसमें डाल दूँ, कौन सी वाली रोड डाल सकते हैं हम लोग? आई थिंक सही है, अभी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है, अगर हमको लगेगा कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है तब जाके करेंगे। फिलहाल इसको हम लोग जोन डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि डिमांड अभी बढ़ जाएगी थोड़ी देर में, तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमको अपनी डिमांड वगैरह पता चलेंगी। यहाँ पर डिमांड पता चल रहा है, अभी लो डिमांड है इंडस्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए तो बिल्कुल भी, कमर्शियल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और रेसिडेंशियल जोन की थोड़ी सी डिमांड है, लेकिन है तो एरिया यहाँ पर काफी सारा, बट मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ इनको ताकि ये लोग अपना आराम से घर बना लें। नहीं ये नहीं करना था मुझे, इधर नहीं करना, हमको इस साइड को करना है। और अभी हम इन दो रोड को भी कनेक्ट कर लेते हैं जो इधर से मैच होने वाली इससे, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मेरे को थोड़ा सा ना कर्व लेके जाना पड़ेगा ऐसे करके, या फिर अभी इसको कच्ची सड़क से कर लें क्योंकि ये ज़्यादा सही रहेगा शायद, आई थिंक। नहीं उसी वाली से कर लेते हैं यार, उसी वाली से करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे। ये देखो ऐसे करके हम लोग एकदम लेके जाने वाले हैं इसको, बट यहाँ पर थोड़ा सा एरिया मेरे को बिल्ड करना है बनाने के लिए भी। ओके, बहुत सही लग रहा है। ओके गाइस, तो ये हमारा हो चुका है एकदम सिटी का मैप पूरा तैयार।
ठीक है। अभी बहुत सारे एरिया हमारे पास, अभी मैंने इतना कर रखा है, यहाँ से रोड आ रही है। और एक सेकंड, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से तो लेकिन ये गड़बड़ हो गया ना। अरे यार मेरे को ये चीज का भी तो ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से जा रही है तो मेरे को यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा। अभी वापस से इसको मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा और यहाँ से आगे को मेरे को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अपग्रेड हो रहा है, ओके एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब जाके मुझे अगली सुबह का वापस से वेट करना पड़ेगा। अभी हमारी इनकम कितनी हो रही, -820 यूरोज हो रही है। एक भी बंदा रहने के लिए नहीं आया यहाँ पे, ऐसा क्यों? मैंने ड्रेनेज का कर दिया, मैंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, और क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? दुकानें भी वहाँ पे बन रही है, मुझे लग रहा है कि ना मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी इसको पॉज करते हैं, हम लोग अगले दिन का वेट करते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी यहाँ पे डिमांड तो है, घर शायद उतने बने नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। हमको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेना चाहिए, क्या स्पीड अप कर लें इसको थोड़ा सा, शायद घर वगैरह बन जाएंगे ना थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है। घर वगैरह बन रहे हैं थोड़े से अभी, लेकिन रहने कोई भी नहीं आया। मतलब ये क्या बात है यार, अभी रहने कोई भी नहीं आया यहाँ पर, बंदा एक भी बंदा नहीं है। पॉपुलेशन हमको रीच करनी है 320 की, और अभी एक भी बंदा रहने के लिए नहीं आया यहाँ पर, क्यों समझ में नहीं आ रहा। बट थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, शायद आ जाए वापस थोड़ी देर में। हमारे ना पैसे, ओ शिट, हमारे पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं। मेरे को थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करना पड़ेगा और मेरे को सोचना पड़ेगा अच्छे से कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ रोड वगैरह में गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर, कहीं पर कुछ तो दिक्कत हो गई होगी यार। इंडस्ट्री वगैरह भी बन गई, अबे इंडस्ट्री वगैरह बन के करेंगे क्या, लेकिन लोग रहने, यहाँ पर घर तो बने हुए हैं, अबे बिके नहीं क्या प्लॉट वगैरह कोई भी। ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर जो रोड थी यहाँ पर भी रेजिडेंशियल एरिया मैंने डिक्लेयर कर लिया है। प्रॉब्लम पता है क्या थी, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी हम इसको ना रन करते हैं तो शायद क्लियर पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रोड थी ना, ये बीच में से इधर की तरफ को भी आ रही थी, तो अगर प्रॉपर तरीके से रोड का कनेक्शन नहीं होगा तो लोग आ नहीं पाएंगे सिटी के अंदर में, शायद ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, मैंने देखो यहाँ से ना सिटी से बाहर जाने का रास्ता है, तो मैंने यहाँ पर घर के लिए डिक्लेयर कर दिया था, यहाँ नहीं करा था, अभी मैंने यहाँ पर भी कर दिया। अब देखो अगर यहाँ पर बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट होती हैं अभी तो, ओके देखो 93 हो चुके पॉपुलेशन हमारी। देखो यार प्रॉब्लम पता चल चुकी थी टाइम पे, अभी एकदम से हम लोग इसको ना रीच करने वाले हैं, ठीक है। रात का ही टाइम हो रहा है, तो काफ़ी बड़ी मैंने सिटी बिल्ड कर दी पहले दिन ही। पता नहीं मैं इसको मैनेज भी कर पाऊंगा, क्योंकि अभी ना धीरे धीरे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होगी। अब जाके मैं एक चीज़ सोच रहा था, अरे यार पैसे हमारे पास सिर्फ $10,000 बच रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ना पहले तो हमको यहाँ पर पानी का करना है। पानी का अगर मैं देखूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो एक हमारे पास ये है कि कितने का, 3,500 का यार, अभी तो मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी का आ रखा है, मैं यहाँ से ना हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी का, तो देखो यहाँ तक तो है, अगर हम लोग यहाँ से टावर लेके जाएं तो जाएगा टावर, अगर हम लोग यहाँ से टावर लेके जाएं आराम से पहुँच गया। तो यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका होगा शायद, आई थिंक हो जाना चाहिए यार। अब पानी की प्रॉब्लम है, ओके तो पानी का भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं हम लोग, ओके हम लोग पहला रीच भी कर लिया और हमारे पास वो $30,000 आ चुके हैं। अरे वाह हमारे पास $30,000 आ चुके हैं, यूरोज आ चुके हैं, जो भी है ये बहुत सही चीज़ है यार। अभी ना इसको हम लोग बिल्ड करते हैं, पानी का कनेक्शन वगैरह दे देता हूँ सब जगह, ताकि आराम से यहाँ पर जो भी बनना है आराम से बने। अगर पहले से कर लिया होता ना, अभी हम लोग बहुत अमीर बन चुके होते, पता है मेरे को, मैंने मतलब देखा नहीं यार, वो एक ही जगह मिस हो रहा था, वो एरोज उल्टा सीधा मिक्स हो रखा था वहाँ पे। आई थिंक पूरा एरिया में पानी चला जाएगा इससे, कैसे चेक करना होगा मेरे को, इधर भी लेके चले जाते हैं। ठीक है इधर भी लेके चले जाते हैं, ओके अब मुझे लगता है कि इधर से हम लोग इधर भी इसको लेके, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा मेरे को, दोबारा से यहाँ से लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे, और इसको लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना पानी का सब कुछ सॉल्व हो चुका प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी, तो ये चीज़ बहुत सही है। यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन कितना हो रहा है, एक सेकंड अगर देखें हम, अरे बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत दुकानों से वो तो होगा, मतलब वो बेरेबल है, और बाकी चीज़ें रोड के नेम अगर हम लोग कर सकते हैं अब जाके। अभी हमारा ट्रैफिक नॉइज़ पोल्यूशन सही है, ट्रैफिक फ्लो कैसा चल रहा है एक बार चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अभी फिलहाल तो चल ही रहा है स्मूथ, बाद में देखते हैं। हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं यहाँ पे, और हमारे पास अब जाके हमको बहुत सारी चीज़ें और करनी है। एक सेकंड जल्दी से देख लेते हैं कि क्या करना है। हमारे पास $27,000 है यहाँ पर अभी। एक सेकंड, फिर से रात हो गई यार, ये क्या चल रहा है। हमारे पास ना कुछ कुछ चीज़ें अनलॉक हो चुकी थी। हमारे पास हमको पहले गार्बेज वाला बनाना है, हेल्थ केयर बनाना है, एजुकेशन का बनाना है, तो मैंने ना यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है और मुझे वो जगह पर अब यूटिलाइज़ करनी है। तो पहले गार्बेज वाला तो हम लोग देखेंगे, गार्बेज वाला इंडस्ट्रियल एरिया में मैं सोच रहा हूँ कि बना लूँ,
उसको हम लोग इधर कहीं पे बना लेते हैं। गार्बेज वाला कौन सा, ये है ना, इसको हम लोग इधर कहीं पे बना लेते हैं। एक ही बनाते हैं अभी, एक ही बनाते हैं। ओके, एक ही बनाते हैं। और उसके बाद से हमको हेल्थ केयर बनाना है। अब हेल्थ केयर ऐसा होना चाहिए जो सेंटर में रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि पूरी जो सिटी है ना वो कवर हो चुके हो सके। अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि हम लोग यहाँ से ना एक रोड लेके आ सकते हैं यहाँ पे। मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ ना जो इसको कनेक्ट कर ले। अब अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं हेल्थ केयर हेल्थ केयर वाला कहाँ चलेगा, गार्बेज वाला हेल्थ केयर है। अगर हम लोग बनाते हैं हेल्थ केयर को यहाँ पे, तो शायद ये पूरी सिटी को सर्व करेगा। नहीं यार, सिर्फ इस साइड नहीं, हो रहा है जो ग्रे एरिया है उसको सर्व नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बाद में हम लोग कर सकते हैं। और ट्रैफिक देखो अभी ये क्या चल रहा है, एक सेकंड ट्रैफिक देखो कितना सही चल रहा है यहाँ पे, ये देखो। क्योंकि कोई भी ना रेड लाइट वगैरह है नहीं, बट किसी ने भी गाड़ी वाड़ी ठोक दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन रेड लाइट होनी चाहिए थी ना वैसे, रेड लाइट वगैरह है नहीं, सिग्नल्स वगैरह कहीं पे नहीं है, आराम से ट्रैफिक चल रहा है हमारा। और सब लोग बहुत खुश हैं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। हमारे पास पैसे भी आ चुके हैं $13,000। मेरे को दो चीज़ें बनानी थी, एजुकेशन। ओके, एजुकेशन का मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इधर हेल्थ केयर बना रखा है, तो इधर अगर हम लोग एजुकेशन बना लें। ओके, अब हमारे पास और कुछ नहीं है ना। अब जाके हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, वो होगा हमारा 400 650। तो 414 ऑलरेडी हमारे पास लोग यहाँ पर रहने स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अभी हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल कर लिया ना मैंने। ओके नहीं, सब कुछ बना लिया। ठीक है गाइस, तो ठीक है, हम लोग और भी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं है क्या? ओके समझ में आ रहा है। अब जाके इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो अभी ना यहाँ पर घर बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब मुझे लग रहा है कि घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अपने आप बन भी रहे हैं, क्योंकि उनसे कनेक्शन मिल जाएगा उस तक। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, अभी घर बनेंगे तो शायद सही हो जाएगा। यहाँ भी मैं पूरा इसको रेसिडेंशियल नहीं, हमारी दुकान है ना यहाँ पर। ओके, दुकान है तो थोड़ा बहुत ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, कुछ और चक्कर है। एक सेकंड, मेरे को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग चेक करते हैं। मेरे को लग रहा है कि ना अब बहुत ज़्यादा लोग रहने स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर, तो कुछ तो और चक्कर है। कंजम्पशन ज़्यादा है हमारा और वो कम है। हम लोग ज़्यादा बिजली बना कम रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहाँ पे था हमारा पावर प्लांट वो? अब अगर मेरे पास $3,000 बचे हुए हैं यार, ये भी तो चक्कर है। मैं एक सोच रहा था कि मैं विंड टरबाइन नहीं, हमारे पास कुछ तो था ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नहीं है, ये नहीं कर सकते। इसके लिए है पानी वाला तो सही चल रहा है यार। एक मेरे को विंड टरबाइन लगाना था, बट पैसे हैं नहीं अपने पास। थोड़ा सा मैं इसको स्पीड अप करने वाला हूँ, शायद हम थोड़े पैसे कमा लें, मुझे ऐसा लग रहा है। कमा तो रहे हैं थोड़ा सा। और इसको हमको एक और मेरे को विंड टर्बाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। उससे पोल्यूशन तो हो रहा है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कितने का था? 6,000 यूरोज का था। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा ये बन जाएगा। मैंने बीच में ना बहुत खिचड़ी से पका दी ना, बट अब यार धीरे धीरे करके ना चीज़ें समझ में आ रही कि कैसे करना है। तो हम लोग शायद इसको बाद में अपग्रेड वगैरह कर लें और बेटर तरीके से कर लें। ओके, हम वर्दी विलेज वाले में भी आ चुके हैं। हमारा एक और अपग्रेड हो चुका है यहाँ पे। अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब जाके हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इनका सॉल्व। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे विंड टर्बाइन लगाने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास पैसा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है ना, ये एक बनाते हैं। और ये मुझे बनाना होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पे। नहीं यार, यहाँ पे तो हमारा वो है ना, यहाँ पे सारे बन चुके हैं यार। ओके, तो यहाँ से शायद इनको इलेक्ट्रिसिटी अभी मिल जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो शायद सॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम यहाँ से। नहीं, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का कुछ देना भी तो पड़ेगा ना। विंड टरबाइन तो नहीं, बट ये तो मेरे को लगाना पड़ेगा ना यहाँ से। नहीं, यहाँ तो मिल रही है, यहाँ तो ऑलरेडी मिल रही है इनको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है? पानी का प्रॉब्लम आ रहा है ना इस साइड को। ओके, तो उसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि पाइप नहीं आई हुई है यहाँ पर। नहीं, इसको नहीं, हम इधर से मेरे को कहीं से लेके आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो पानी का प्रॉब्लम भी अभी फिलहाल के लिए जितने लोग हैं यहाँ पे उनके लिए तो सॉल्व हो चुका है। बाकी जो लोग हैं बाद में सॉल्व हो जाएगा उनके लिए। और यहाँ पर बहुत सारे और घर बनने स्टार्ट हो चुके हैं। एक सेकंड, कुछ तो चक्कर है। ये एम्प्टी वगैरह मुझे करना पड़ेगा क्या? एम्प्टी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। नहीं, एम्प्टी नहीं करना। ओपन द बजट पैनल, नहीं ये क्लियर कैसे होगा? रिलोकेट वगैरह कुछ नहीं करना मुझे। ओके, तो यहाँ पर ना कुछ तो चल रहा था। एक सेकंड, ये क्या ऑप्शन आ रहा है यार? बिल्ड रोड्स एंड जोन नेक्स्ट टू देम टू अलाउ सिटीजन टू मूव। नहीं, ये नहीं है। ये कुछ तो चल रहा है यहाँ पर भी। बहुत धुआं क्यों हो गया वापस से? मेरे को लग रहा है शायद फैक्ट्री का धुआं है, शायद उसकी वजह से चल रहा है। और अगर हम लोग देखें अपने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हमको दिखा रहे हैं कि कहाँ पे हैं। ट्रैफिक रूट्स हमको दिखा रहा है, जंक्शंस वगैरह और रोड सेलेक्टेड। तो मेरे को ना एक काम करना था, हमको ये वाली अपनी मेन रोड सेलेक्ट करनी थी जो ये थी आई थिंक।
हाँ ये वाली, ये दोनों ओके, दो मेन रोड सेलेक्ट हो चुके हैं, प्रायोरिटी रोड हम इसको बना लेते हैं और अब जाके लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे ना, जो एटलीस्ट बाहर से जिनका काम है, तो सिटी के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। और मेरे को कहीं पे कुछ, हाँ रस्ते वगैरह मेरे को बनाने थे, पाथवे के लिए कैसा है, हाईवेज वगैरह हमारे पास, लार्ज रोड्स हैं, मीडियम रोड्स हैं हमारे पास, पाथ, एक सेकंड, हमारे पास एक और कुछ बिल्डिंग्स ऐड हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो हमको फायर डिपार्टमेंट वगैरह बनाना है, ठीक है। तो फायर डिपार्टमेंट कहाँ पर होना चाहिए, ये भी मेरे को लग रहा है कि सिटी के बीच में होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट जगह पर हमको इसको करना पड़ेगा। अरे यार पैसे तो है नहीं हमारे पास, ओके पैसे नहीं है तो लोन ले सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी लोन नहीं लेना, मेरे को कुछ और चीज़ें देखनी थी, वो मैं देखना चाह रहा था कि कैसे हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करें तो शायद हम लोग थोड़ा सा पैसे कमा लें। कितनी बड़ी सिटी बिल्ड कर दी हम लोगों ने यार, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या क्या मिल रहा है, ये देखो कहाँ गए, डोनट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, कितना सही लग रहा है ना, इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जा सकते, इसमें जूम नहीं कर सकते, बट ये सही यार, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, घर देखो गाड़ियाँ लगा रखी लोगों ने, और पार्किंग का प्रॉब्लम भी आ रहा होगा क्या यहाँ पे, क्या वो आ रखे हैं क्या उतरने के लिए, नहीं ट्रैम्पलिन वगैरह है शायद, एक बार हम लोग सिनेमेटिक थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारी जो सिटी है, उसके बाद हम लोग जो दो तीन मेरे को चीज़ें बिल्ड करनी है ना, वो मैं बिल्ड करने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और काफ़ी बड़ा एरिया मैंने बना लिया, काफ़ी कुछ मैस हो रखा है, अभी चीज़ें इधर उधर हो रखी है। अरे नहीं 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 नहीं, ओहो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक सेकंड, मैंने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, मैंने कहा कुछ नोटिस किया यहाँ पर, बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, लोग ना यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या मैं इनके लिए कुछ बना सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी हमको आ रहा है ऑप्शन, फार्मिंग इंडस्ट्री वगैरह बहुत कुछ आ चुका है, इतना अभी मैं नहीं पढ़ने वाला, हम लोग ना पहले फायर डिपार्टमेंट बिल्ड कर लेते हैं, तो कहाँ मुझे बिल्ड करना था, हम लोग ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे एकदम सेंटर में बिल्ड करना था ना, तो यहाँ पर हम लोग को बिल्ड करना था, अरे यार पैसे नहीं है इसके लिए हमारे पास, ये बिल्ड कर सकते हैं पुलिस स्टेशन, नहीं ये भी नहीं कर सकते, यूनिक बिल्डिंग्स भी हैं हमारे पास, नहीं नहीं अभी नहीं है, तो हमको ना पहले पाथवे मेरे को देखना था कि क्या हम लोग पाथवे वगैरह बना सकते हैं, कुछ जो ऊपर से जाए जहाँ से लोग क्रॉस कर लें, नहीं पाथवे, मेन पाथवे भी बनाने मेरे को, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें करनी है, अभी नहीं आ रहा शायद ना ऑप्शन। एक और हम लोग माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है इसमें से कुछ यूनिक बिल्डिंग के लिए भी अभी नहीं है यूनिक बिल्डिंग, बट बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी है, हमारे पास पैसे भी आ चुका है आई थिंक, अभी हम लोग कुछ और चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। रात का टाइम चल रहा है, इसको स्पीड अप तो नहीं कर रखा है ना वैसे, हमारे पास $32,000, तो सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पर एक फायर डिपार्टमेंट ऐड करना था, जो मैं कहाँ पर सोचा हुआ था, मैंने एकदम सेंटर में सोचा हुआ था, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और ओके ओके ऑलमोस्ट सारे जो सिटीजन्स हैं उनको मिल रहा है इसका बेनिफिट। पुलिस डिपार्टमेंट भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं साइड बाय साइड, तो बेटर रहेगा। ओके सारे लोग खुश हैं, और साथ में हमारा ये भी कर लिया था पार्क। ओके तो पार्क के लिए ना, एक सेकंड, मैंने स्कूल बनाया था कहीं पर यहाँ पे, ये स्कूल ही है ना, एक सेकंड मेरे को पहले इसमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। हाँ ये स्कूल है, तो यहाँ पर हमको ये वाला पार्क वार्क मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर बना लूँ, रोड साइड में बिल्ड करना है। ओके यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं हम लोग इसको शायद, या फिर यहाँ पर कर लें ताकि जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए जा सकें आराम से, सब लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं होंगे। नॉइस पोल्यूशन बहुत हो रहा है कुछ चीज़ों से, इससे हो रहा था शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा ना, कम ही हो रहा है यार, काफ़ी हो रहा है वैसे, बट क्या कर सकते हैं ओके ये चीज़ें बाद में हम लोग देख लेंगे यार, बन तो गया ना, मैं तो बन तो गया, अभी क्या करना है, पॉलिसीज वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई यार, लेकिन मेरे को एक चीज़ देखना है कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, हम लोग चेक कर लें क्या नॉइस पोल्यूशन, हेल्थ वगैरह देख लें लोगों की, परफेक्ट है हेल्थ वगैरह का, सब कुछ सही है, डेथ केयर का भी नहीं कर रखा है, वो हमको शायद आगे अनलॉक होगा, वो चाइल्ड केयर का भी नहीं है, एल्डर केयर का भी नहीं है, और विंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, पोल्यूशन कितना हो रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं उस जगह पे, वो चीज़ देखनी पड़ेगी बाकी। ओके वापस से ना यहाँ के जो लोग हैं उनको पानी का प्रॉब्लम आने लग गया, तो मेरे को ये करना पड़ेगा, इधर तक पानी लेके आना पड़ेगा, और यहाँ तक भी मैं लेके जा रहा हूँ, तो शायद अभी जितने लोग हैं उनके लिए तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर भी लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है पानी का, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो मतलब उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से चली जाएगी, बट मुझे ना नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लग रहा था लोगों का, तो उसको हमको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा वो चीज़ देखना होगा। इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी कुछ बिल्ड करने का ऑप्शन आ रखा है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है वो आएगा हमारा बूम टाउन, जो कि बस होने ही वाला है यार, इसमें हमको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलने वाली है, बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, और मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि क्या चीज़ कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे। एडवांस विंड टर्बाइन वगैरह मिल रही है, और इससे पहले में हमको क्या मिला था, यहाँ पर हमको 4 लेन ये सब मिलेगा, टनल वगैरह मिला था, फ्लड वॉल वगैरह मिला था, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना सब कुछ अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि हम अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, काफ़ी कुछ हमारे जो
यहाँ पर रहने वाले विलेजर्स में बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुश हैं, आराम से रह रहे हैं सब लोग। कैनल्स वगैरह भी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन देखो सब लोग खुश हैं बहुत आराम से। 1207 हमारी अभी यहाँ पे पूरी जो जनसंख्या है वो हो चुकी है, काफ़ी कुछ है, मतलब जीरो से लेकर वहाँ तक इतनी बड़ी हम लोगों ने सिटी बिल्ड कर दी है, तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। आप लोग बताने कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और बहुत सारे मुझे पता है कि आप लोग के सजेशंस होंगे कि क्या करना चाहिए। मुझे पता है रोड भी हमको अलग अलग टाइप की बनानी होती है, और मेरे को बीच में ना वो पाथवे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि पाथवे और जो ब्रिज पास वगैरह होता है ना वो सब अंडरपास वगैरह जो भी हो वो कैसे बिल्ड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना लोग अभी मैंने देखा नोटिस किया कि लोग ट्रैफिक से जा रहे थे ऐसे, मतलब रोड क्रॉस करके जा रहे थे, और ये जो ट्रैफिक हो रहा है बीच में, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये रोड है तो बीच में ना गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो कैसे हम लोग उसको टैकल करें और क्या इन रोड को अपग्रेड करके कौन सी रोड में करना चाहिए, आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट करके। फिलहाल आज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड, एक बार हम लोग थोड़ा सा ना अपनी सिटी को देख लेते हैं। ये देखो कितना सही लग रहा है ना यार, जूम करके देखो ना तो पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या क्या बिल्ड करा है। खैर हम लोगों ने नहीं करा, इन लोगों ने खुद ही कर लिया, बट काफ़ी सही लग रहा है बहुत ज़्यादा देखो। और इसका भी मेरे को आप लोग बताने कि क्या मैंने सही जगह पर बना रखा है या और दूर बनाना चाहिए था। फिलहाल आज का एपिसोड यहीं पकड़ लेते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।